सिंपलमैन मान रहे हो, ऐसे ही धर्मदास जी की सतीति थी, वो परमात्मा को सिंपलमैन मान रहा था, सामान्य मनुष्य। जब उसने ये कहा कि मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं तू सेवत हूं कृष्ण विष्णु मुरारी, उसी समय परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, यानी अदृश्य हो गए, एकदम आगे से दिखाई नहीं दिए। अब ऐसी घटना वैसे भी घट जाए तो भी आदमी चिंतित हो जाए। फिर उसने सोचा भाई तो कोई भगवान था, देवता था, और तने बहुत गलती कर दी। ओए होए, कितना अच्छा ज्ञान बतावे थे। परमात्मा ने सारा निर्णय उनको दिया कि गीता ज्ञान दाता परमेश्वर ने धर्मदास जी को बताया कि धर्मदास आप क्या मानते हो कि गीता जी का ज्ञान किसने बताया, किसने बोला? धर्मदास जी ने तपाक से उत्तर दे दिया कि ये तो सर्वविदित है, श्री कृष्ण जी ने बोला। श्री कृष्ण जी कौन है? विष्णु जी। धर्मदास जी कहते विष्णु जी। और विष्णु जी को आप क्या बताते हो? अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर। कहने लगा हाँ बिल्कुल सही। परमात्मा ने कहा यदि गीता जी में आपको ये पता लग जाए कि ब्रह्मा विष्णु, ये विष्णु जी भी नाशवान है, मान लीजिए आपकी बात को बड़ी कर दें, आप कहते हो विष्णु जी ने, श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु ने गीता बोली, वैसे तो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस ब्रह्म काल ने दिया है, लेकिन वह बात तो तेरी बुद्धि में अभी आवेगी नहीं, पर आप यही मानकर चलो कि श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया और श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी, और श्री कृष्ण जी मान लीजिए आप ही कह रहे हो, हम तो कह रहे काल काल ने बोला था ज्ञान, और काल ही बोल रहा है, तो गीता ज्ञान दाता आप उसको कोई भी मानो। चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में और नौवें श्लोक में, दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक में स्वयं कह रहा है कि मेरा तो जन्म और मृत्यु होता है, मैं अविनाशी नहीं हूं। देखिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। ये देखिएगा चौथे अध्याय का पांचवा श्लोक, अध्याय नंबर 4 अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है, ये छठा है नीचे, ये पांचवा है। हे पंतम अर्जुन, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, इसे सद है कि जन्मता और मरता है गीता ज्ञान दाता, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। फिर ये चौथे अध्याय का ही नौवां श्लोक है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्यम अलौकिक हैं, दिव्य हैं अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है, गीता ज्ञान दाता कह रहा है, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी समय में नहीं था, यानी मेरा पहले जन्म ना होया हो, अथवा तो नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मांगे, जन्म मृत्यु होगी। और ये देख 17 में, दूसरे अध्याय के 17 में श्लोक में है,
दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में है। अब गीता ज्ञानदाता कहता नाश रहित तो उसको जान, यानी कोई और है अविनाशी जिससे ये सारा संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग सर्वदृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अपुण्य आत्माओं, परमात्मा उस प्यारी आत्मा को गीता जी के बारे में जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि निकाल तुकल पढ़ रहा था, आप पढ़ रहे थे अभी 7वें अध्याय के श्लोक पढ़ रहा था, 8वें के पढ़ रहा था, 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया है गीता ज्ञानदाता से कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्वब्रह्म के बारे में जानकारी दी है वो तत्वब्रह्म कौन है जिसके बारे में आप बता रहे हो कि जिसको जानने के बाद, जिससे परिचित होने के उपरांत ये प्राणी केवल जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही प्रयत्न करता है, फिर इस झूठे संसार की वो किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, किसी वस्तु की चाह नहीं करता। अब देखिएगा 7वें अध्याय का 29वां और 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र। पुण्यात्माओं, ये एक शिक्षा सतल है, आध्यात्मिक शिक्षा सतल, आध्यात्मिक स्कूल। इसमें ये दास चाहता है कि आपका पूरा कोर्स करा दूं और फिर आपका मन लग जाएगा भक्ति में, विश्वास हो जाएगा। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में क्या कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये। अब गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मैंने जो तुझे बताया है कि तत्वदर्शी संत की तलाश कर, खोज कर, वो यथार्थ ज्ञान बताएगा, परमेश्वर के परम तत्व के बारे में जानकारी देगा। कहते जो उस बात पर मेरे ज्ञान पर आश्रित हो जाता है फिर वो संत से, उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाता है, सारे अध्यात्म कर्म से परिचित हो जाता है, ज्ञान से और अध्यात्म और सब कर्मों से परिचित हो जाता है, वो फिर केवल जरा मरण मोक्षाय यतंती। कहते हैं जो श्रद्धालु मेरे इस ज्ञान पर आश्रित हो जाते हैं वे तत्वब्रह्म विदु, उस तत्वब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं, फिर वे केवल जरा मरण मोक्षाय यतंती। वो केवल जरा यानी बुढ़ापे से और मरण माने मृत्यु से ही छुटकारे का प्रयत्न करते हैं, नथिंग एल्स। जो मेरे शरण होकर, अनुवाद इन्हीं का अनुवाद, जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब 30 में ये बताया है कि जो पुरुष अधिभूत अधिदेव सहित अधियज्ञ सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित पुरुष मुझे ही जानते हैं। कहते हैं जो मुझे भगवान समझ रहे हैं वो तो मेरे तक सीमित रह जाते हैं, बस यहाँ समाप्त हो जाता है। 7वां अध्याय 30 मंत्र हैं। अब 8वें में फिर अर्जुन ने प्रश्न किया, अष्टमोध्याय 8वां अध्याय अर्जुन ने प्रश्न किया कि फिर किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। अब गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने कहा वो तत्ब्रह्म क्या है, वह पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने तीसरे मंत्र में दिया है, 8वें अध्याय के, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है।
अपुण्य आत्माओं, आप देखिएगा ये परम अक्षर ब्रह्म क्या स्थिति है। गीता जी अध्याय नंबर 15 का प्रथम श्लोक ये देखो, अध्याय नंबर 15 का आपको प्रथम श्लोक सुनाते हैं। ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय प्रथम मंत्र में, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अध्य शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहो अवम, ये मजबूत एक अविनाशी पीपल का वृक्ष कहा गया, एक वृक्ष कहा गया। छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित, छंद यानी विभाग जिसके हैं वो पत्ते आदि उसके विभाग हैं, ऊपर ने मूल है, नीचे ने शाखा है और पत्ते उसके आदि बहुत से उसके आगे विभाग हैं। और ये तम वेद, इसको जो जानता है, वेद माने जानता है, इसका ज्ञान रखता है, सही ज्ञान बता देगा भिन्न भिन्न, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इसमें अनुवाद किया है ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जिसकी जड़ संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ तो समझो मूल आदि पुरुष परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। अध शाखम, यहाँ अनुवाद गलत किया है, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया। अध माने नीचे को, देखो इन्होंने ही ये श्लोक नंबर 2 में, ये श्लोक नंबर 2 है 15वें अध्याय का, इसमें अध्यय दो बार लिखा है, अध्यय च ऊर्ध्वम, अध्यय च मूलानी, ये अध्यय, इसका अध्ययन सुनो स्वयं ही अनुवाद किया है नीचे, यहाँ देखना, अध्यय माने नीचे, अध्यय माने नीचे, तो यहाँ यही करना था, ये विचल गए 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, अध्यय माने नीचे लिखना था, ऊर्ध्व माने ऊपर को, जो मूल है वो आदि पुरुष परमेश्वर है, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है। अध शाखम, और नीचे को उसकी शाखाएं हैं, ये संसार रूपी पीपल को जो शाखाएं, उस संसार रूपी पीपल वो के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, छंदासी वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, ये छंद माने अलग अलग टुकड़े विभाग उसके पत्ते आदि कहे गए हैं, और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष जड़ सहित, जड़ से लेकर पत्तों सहित जानता है, तत्व से जानता है, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। और फिर ये बताया है कि उसके पश्चात दूसरा श्लोक, उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी ये शाखाएं हैं, रूपी ये शाखाएं हैं, ये समझ लो विषय पर वाला, विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, विषय कोपलों वाली शाखाएं हैं, शाखा नीचे और सर्वत्र ने नीचे और ऊर्ध्व माने ऊपर, अध्य माने नीचे फैली हुई हैं। और मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये मुख्य कारण है, और नीचे और ऊपर फैली हुई है, सभी लोकों में नहीं, ऊपर नीचे स्वर्गलोक पाताल लोक और पृथ्वी लोक में बस। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ये गीता जी संसार रूपी वृक्ष की पूरी जानकारी यानी सृष्टि रचना तेरे और मेरे इस डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान में मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं इसके विषय में नहीं जानता, परमात्मा ने कैसे सृष्टि रची, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी तेरे मेरे गीता जी के ज्ञान के डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, यानी मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति मुझे पता है, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, सुविरुद्ध माने अति दृढ़,